पिछले 70 साल में आज कोई ना कोई इधर उधर से बंदा खड़ा होकर कहता है आम आदमी पार्टी का और भाजपा का कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया आपने देश के, राज किया, ज्यादा सरकारें आपकी रही। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में सुई से लेकर जहाज तक और मेट्रो स्टेशन तक और बड़े बड़े पुल निर्माण और ये डैम बनाने का काम अगर किसी ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। तब ये मोबाइल फोन नहीं होता था, तब बारात गाड़ियों पर नहीं जाती थी, तब घोड़े और ऊंटों पर बारातें जाती थी और 10-10 दिन लोग बारात लेकर जाते थे, 4-4 दिन बैठे रहते थे, आज शाम को वापस आ जाते। तब टीवी चैनल नहीं होते थे, कभी कभार कोई बड़ा व्यक्ति टीवी लेकर आता था और पूरा गांव नरेला उसके घर में जाकर टीवी देखता था। फीएट कार और एम्बेसडर देखा करते थे कि फलां के पास 4 पहिए का वाहन आया है। आज घर घर में टीवी है, झुग्गी और झोपड़ी में टीवी है, मोबाइल की से आप दुनिया की खबर ले सकते हो, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये राहुल, ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सपना था। कोई समय होता था जब राजीव गांधी कहते थे कि मैं कंप्यूटर लेकर आऊंगा और उनका विरोध हुआ, बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं ने कहा कि अब देश के अंदर नया कंप्यूटर आ जाएगा तो क्या होगा, ये सब फजूल की बातें, ये कंप्यूटर तब के जमाने की खोज है, ये गांधी परिवार की खोज है मेरे सत्कार योग्य भाई और बहनों। पर जिस परिवारों ने, मैं कांग्रेस पार्टी से एमएलए हूं इसलिए बात नहीं करता, है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना बाप कुर्बान कर सकता हो एक मंत्री पद के लिए, है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी दादी कुर्बान कर सकता हो एक एमएलए और कुर्सी के लिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 2-2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी गांधी परिवार ने। और पहली ऐसी महिला, मैं सोनिया गांधी जी का मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, हमारी पार्टी की अध्यक्ष है, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन मैं अपनी मां की तरह क्यों समझता हूं ये आपको कहना चाहता हूं। आप में कोई ऐसा व्यक्ति है, ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल के तमाम साथी छोड़ गए, योगिंदर यादव फला जितने उनके साथियों ने संघर्ष के समय उनके साथ चले थे वो तमाम लोग छोड़ गए, क्यों? क्योंकि केजरीवाल पूरी ताकत और पूरी सत्ता खुद रखना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम छोड़ गए। अब कौन है? अब वो लोग हैं जिनके अंदर जमीर नहीं है, केवल नाम के एमएलए बनते हैं लेकिन पुत्र हैं, वो अपनी कोई बात केजरीवाल को नहीं कह सकते, अपनी बात मनवा नहीं सकते, वो कह नहीं सकते मैं केजरीवाल साहब आपका इस बात से विरोध करता हूं। आज वो लोग केजरीवाल के साथ उनके एमएलए हैं, लेकिन जिनमें जान थी, जो संघर्ष के साथी थे, वो छोड़ के चले गए, क्योंकि एक आदमी सत्ता पर बैठना चाहता है, एक आदमी फैसला लेना चाहता है। लेकिन सोनिया गांधी को मैं क्यों मानता हूं, मैंने कहा मैं मां क्यों कहता हूं, एक ऐसी महिला जब देश के अंदर सत्ता बनाने का समय आया, दुनिया ने कहा, लोगों ने कहा, कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा गोली मारने के अगर सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी तो, कईयों ने ऐसा कहा, कई संसद मेंबरों ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री बने, आपके नाम के अंदर पीछे चुनाव हुए, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा रख दो यहाँ पर कि मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री, 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ये वो कांग्रेस पार्टी है, कोई बंदा रिक्शा यूनियन छोड़ने को तैयार नहीं, वो कहता है मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद मेरा पोता बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, फिर कहा गया राहुल गांधी को 20 बड़े नेताओं ने कहा होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री अगले आप होंगे, अब मनमोहन सिंह जी को उतार कर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश आपके साथ है। लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिर कहा कि हम नहीं बनेंगे, हम सीखेंगे, देश का प्रधानमंत्री दोबारा फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा, ये कुर्बानी की
बात है, ये इत्तेहाद की बात है मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों और मेरी उम्मीदा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया, ये बैठे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस में एक कमी है, हम दिखावा नहीं कर सकते, हम ड्रामा नहीं कर सकते, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता, ये हमें सिखाया नहीं गया। बेशक हम सत्ता सरकार से बाहर रहे, मैंने राहुल गांधी को सुना है, नजदीक से देखा है, सोनिया गांधी को देखा है, प्रियंका गांधी को देखा है, वो इस देश को तोड़कर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं करवा सकते, वो सिखों को और आदिवासियों को नहीं बना सकते। वो कहते हैं बेशक 25 साल इस देश से बाहर रहे, सत्ता से बाहर रहे, कुर्सी से बाहर रहे, लेकिन देश को लड़ा नहीं सकते, हुड्डा जी नहीं लड़ा सकते। हरियाणा के अंदर आपस में भाईचारों को लड़ाया जा सकता है, आपस में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन समय कम मिला। अगर हुड्डा जी को एक महीना और मिला होता तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का दोबारा परचम लहराना था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। हमारी पार्टियों से कई गलतियां होती हैं, हर इंसान गलती करता है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। मैं पंजाब से रहता हूं, पंजाब से चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केजरीवाल के जीते थे, चार एमपी जीते, पूरे देश से कोई एमपी नहीं जीता, दिल्ली से नहीं जीता, लेकिन पंजाब से चार लोग जीते हैं। आज तीन का सफाया हो गया और एक हमारी गलती से दोबारा जीत गया है, वो भी कलाकार है, लोगों को चुटकुले सुनाकर और अपनी बातें सुनाकर, गाने वाले सुनाकर। ठीक है, चार के से कितने रह गए, चाचा जान एक रह गया। आज 20 उनके 22 विधायक जीते थे, 117 विधायक हैं। जब केजरीवाल गया, क्योंकि केजरीवाल को ड्रामा, पहले तो खांसी करते करते इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, खांसी और मफरल, वही खांसी, बकू बकू। मेरी मां सोचती थी कि बड़ा देखो इसकी सेहत खराब है, बेचारा फिर भी मंच से बोलता है। सेहत खराब नहीं थी, आपकी सेहत खराब करने के आया। फिर एक वैगनार होती थी, मैं यादस्त, हिंदुस्तानियों की यादस्त बहुत कमजोर है, यह बदकिस्मती है हिंदुस्तान के लोगों की। एक नीले रंग की वैगनार होती थी, छोटी सी कार। भाइयों, मैं इस पे चलूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। फिर घर भी लिया, सिक्योरिटी भी ली, और फिर वो वैगनार भी छोड़ दी। आपकी यादस्त बड़ी कमजोर है। चार बार बेंगलोर जाकर इलाज कराकर आया है, 10-10 दिन नवीन जिंदल के उसने जिंदल को इंस्टीट्यूट में अपना इलाज खांसी का। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने ही अच्छे हैं, अगर दिल्ली के अंदर इलाज उतना ही अच्छा है, तो केजरीवाल अपना इलाज बेंगलोर क्यों कराने जाता है भाई? दिल्ली राजधानी है, मैं गलत कह रहा हूं? 15 दिन की छुट्टी पर गए अपना इलाज कराने, अपनी खांसी का इलाज कराने। अगर तेरे मोहल्ला क्लिनिक में, अगर तेरे प्रदेश में तेरी खांसी का इलाज नहीं हो सकता, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री और चूंकी में रहने वाला नरेला का व्यक्ति का इलाज कैसे? मैं उसे पूछता। जब पंजाब गया हुड्डा साहब, नशे का कारोबार धंधा पंजाब में बहुत खूब चल रहा था और बादलों का परिवार उसमें लथपथ था। ये केजरीवाल बड़ा चमत्कारी है, वहां गया कि मैं इस व्यक्ति को, बादल के रिश्तेदार को एक महीने के अंदर अंदर जेल भेज दूंगा, आप मेरे को वोट दो। ये नशे का तस्कर है, हम नशा खत्म करेंगे पंजाब के अंदर। हार गया चुनाव। इसी व्यक्ति ने, सुनो क्या किया, इसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कोर्ट में अर्जी लगाकर माफी मांगी कि मैं गलत था, इश्तिहार दिया, मैंने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, वोटे लेने के लिए इल्जाम लगा दिया। वो नशे का कारोबार करता था, हम आज भी कहते हैं, तब भी कहते थे। ये कहता
जब कोर्ट ने इसको नोटिस किया, इसने कहा नहीं मेरे तो मुंह से निकल गया, मैं इससे माफी चाहता हूँ, मैं जीठा से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा। इतना चालू व्यक्ति किसानों की मृत्यु हो गई पंजाब के अंदर, किसान खुदकुशी करता है पूरे देश में करता है, वो हमारी वजह से नहीं, देश की जो सेंट्रल सरकार की नीतियों की वजह से खुदकुशी करता है, किसान मरता है। ये गया हमारे संगरूर के अंदर, दो किसान मरे, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया। कहता पंजाब सरकार को 5 लाख देती है, अगर केजरीवाल बनेगा तो 1 करोड़ एक किसान को जो मरेगा उसको मिला करेगा, उसके परिवार को 2 करोड़ देके आया। सारे किसानों को लगे ये तो मामला बहुत अच्छा है, ये पंजाब वाले तो बिल्कुल चोर है जो 5 लाख देते, क्योंकि इसने तो दो लोगों को ही लेना था ना। आज उसके बाद कई लोग कर गए, केजरीवाल भगत है, 3.5 साल से पंजाब गया ही नहीं, हर किसान मर रहा है, क्यों लेना पैसा पंजाब के किसान को। मेरे कहने का मतलब जुमले बात है, दिखावा करता है, दिखाता और कुछ करता। और इसने कहा था मैं प्रदेश के अंदर लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं महिला कमांडो बनाऊंगा, यहाँ पर रेप नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, स्कूल कॉलेजेस नए बनवाऊंगा, इसने कहा था। इसने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी एक नया जुमला, बिजली मुफ्त, ये 200 यूनिट पंजाब के अंदर पिछले 15 साल से मुफ्त है, हम किसानों को बिजली मुफ्त देते हैं। हुड्डा साहब किसानों के लिए लड़ाई लड़ते थे, 1 एकड़ पे ट्रैक्टर लोन देते थे किसान को और उसकी जमीन की कुर्की नहीं करते थे। पंजाब में हमने लोगों का कर्ज भी उतारा है, लेकिन ये चुनाव के माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि लो बिजली का बिल माफ हो गया, दोबारा फिर केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों? ये एक जुमला है, आपने बिजली का बिल मुफ्त कराना है कि अपने बेटे को नौकरी मत लगवाना। मैं दिल्ली मगर में 12 साल से आता हूं, मैंने नहीं देखा कि दिल्ली के अंदर कोई सड़क वगैरह बन रहा, मैंने नहीं देखा कोई सड़क चोरी हो रही हो, मैंने नहीं देखा कि जहां पर मेट्रो नहीं है वहां पर मेट्रो चल रही हो। हमारी नेता चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया, आदरणीय शीला दीक्षित जी, जितने काम हुए शीला दीक्षित जी के समय पर हुए, जो सड़कें बनी, जो पुले बने, जो स्कूल बने, जो कॉलेज बने, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मेरे साथियों, तीन मुख्य रूप पर पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आपने देखा है भाजपा ने अभी नया कानून लेकर आए, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है कुर्सी के लिए। सत्ता जो सत्ता में आता है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी का एमएलए नरेगा से बना है कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, नरेगा में नहीं उससे हजार गुने और अच्छे व्यक्ति होंगे। ये नहीं है कि सिद्धार्थ कुंडू यहाँ से एमएलए बनेगा और नरेला में और सिद्धार्थ कुंडू से अच्छा नहीं है। जो जीत जाता है इसका मतलब वो ये नहीं है, वो सबसे अच्छा है। एक समय का सिस्टम होता है, कई लोग टीवी पर बेवकूफ बना जाते हैं, जैसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके किया, 25 दिन जहाजों पर दिखाते रहे टीवी पर, तमाम टीवी खरीद लिए, टीवी वाले दिखाते रहे कि जहाज गया पाकिस्तान के, 350 लोग ठिकाने मार दिए, लेकिन एक भी देखा उसी उसी तरीके से केजरीवाल साहब है। बोले टीवी पर दिखाया जाता है हमारे पास पैसा नहीं है उसका, हमें लोग कहते हैं, हमने तमाम लोग जितने हमें करप्शन की थी कांग्रेस पार्टी के समय, वो मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में उनको पकड़ पकड़ के अंदर देने का काम किया, लेकिन आज हिंदुस्तान के 6 साल हो गए भाजपा की सरकार है, किसी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा। हम शोर मचाते हैं, हम मुद्दा उठाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आगे से होता नहीं है, किसी को पकड़ता नहीं है। हमने अपने लोगों को पकड़ के अंदर दिया, हमारी नीयत में खोट नहीं थी, हम इस देश को बचाना चाहते थे, हम इस देश का लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने गलत समझा। मेरे साथियों, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ, माइक है ये, अलग है ये, तो माइक है ये, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। नौजवान साथी, इसमें कम है,
कुछ करने का। मैंने इसका काम जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, बाहर में देखा है। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने देखा है। अरे बाजा की नहीं है, ये बाजा की नहीं है, वहाँ का ये तो माइक है, ये कुछ नहीं है। उन्होंने देखा है। मैं आज इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए कि ये व्यक्ति आपकी बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचा सकता है। ये व्यक्ति जिसको जानकारी है वो जानते हैं, ये आपके मसलों का हल उनके पास लेकर जा सकता है। और अभी 40 साल और राजनीति करने की मन में इच्छा है, समय होता है। 80 साल के बुजुर्ग में 40 साल काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। जब मैं 80 साल का हो गया तो मेरे में भी वो इच्छा नहीं रहेगी। आज नौजवान है, कर्मठ है, आज आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ सकता है, आज जमीन पर बैठ सकता है, आज 10 दिन की भूख हड़ताल कर सकता है और आपके मुद्दों की लड़ाई मैं समझता हूँ कि अवश्य रूप से सिद्धार्थ कुंडू मेरा भाई लड़ेगा। उम्मीद करता हूँ, मैं भी पंजाब, जब पंजाब चुनाव लड़ता हूँ तो सिद्धार्थ कुंडू जैसे मेरे भाई, ये खुद 15 दिन लगाकर, अगर मेरे लोग मैं जीता हूँ, मेरा कोई भाग दादा मंत्री तो नहीं था, इन लोगों की वजह से जीता हूँ। ये आए वहां पर बैठे, इन्होंने बूथों पर काम किया तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत से लोग आते हैं, भाषण सुनकर चले जाते हैं, बहुत सी महिलाएं आती हैं, वो इधर सुनती हैं और इधर से निकाल देती हैं बात, उसके बाद कोई काम नहीं। आज की सभा के बाद 6 दिन केवल बाकी है चुनाव के अंदर। मैं चाहता हूं अगर जितनी भीड़ यहां पर आई है, अगर सिद्धार्थ कुंडू को आप प्यार करते हो, अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाना चाहते हो, तो आपको चाहिए घर घर में जाकर, अपनी गली और मोहल्ले में जाकर एक व्यक्ति 4 दिन में 10-10 बंदों को प्रेरित करेगा वोट डालने के लिए। और अगर यहाँ आई हुई भीड़ ने ये काम कर लिया, सिद्धार्थ कुंडू को चुनाव जीतने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, पंजाबी में कहावत है, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, कि जो चढ़ता है सूरज वो ढलता भी है। बुझते दीवे बलदे वेखे, जो बुझते दिए हैं बुझने वाला है वो जलते भी देखे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझते दीवे बलदे वेखे, जिन्ना दाना रब ते कोई वो भी पुत्र पलदे वेखे। किसी ने कहा है कि जिनका यहां कोई नहीं है वो भी पुत्र पल जाते हैं, अगर मां नहीं है, बाप नहीं है, वो भी पल जाते हैं। तेरी रहमत दे सदका बंदे पानी उत्ते चल दे वेखे, अगर उसकी रहमत हो जाए उसकी, तो फिर आदमी पानी पर भी चल सकता है अगर उसकी रहमत हो जाए। तेरी रहमत दे सदका बंदे पानी उत्ते चल दे वेखे। लोकी कहंदे दाल ना गलदी, केजरीवाल कहता भाई दाल नहीं गल रही, कांग्रेस की दाल नहीं गल रही, भाजपा और केजरीवाल। पहले कहते थे, अब देश के अंदर 3 जगह पर हमारी सरकारें और बन गई हैं, महाराष्ट्र, झारखंड। लोग कहते दाल ना गल दी, केजरीवाल और भाजपा वाले कहते दाल नहीं गल रही। लोग कहते दाल ना गल दी, मैं तो पत्थर भी गलते देखे, अगर और कृपा है। हुड्डा जी ने 70 वाला 36 पर ठोका, अगर कांग्रेस पार्टी 1 महीना हुड्डा जी को देती तो 70 लेके आते हम वहां पर और सरकार बना देते। कुछ हमारी भी नलायकियां हैं, मैं मन से कह दूंगा, कोई डर नहीं है। जहां गलती है हमें आजादी है कि हम खुलकर बोल सकते हैं। हमारे नेता हम सुनते हैं तो वो सुनते हैं हमारी बात की, हम हाँ यहां पर हमारे से गलती हुई है। और अंत में लास्ट में यही कहना चाहता हूं, मेरा भी हिस्सा डाल लेना, पंजाब का हूं, मेरा भी थोड़ा मान बढ़ जाएगा, नहीं तो पंजाबी बड़े खराब होते हैं, मेरे को जाके मजाक बनाएंगे सिद्धार्थ कुंडू के गया था हार गया है। अगर ये जीत गया, 1 MLA राजा बराड़ के चुनाव में और आएगा, गिदड़बा दोबारा MLA बन के आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को सुबह 7 बजे
आपने लाइनों में लग के इस छोटे भाई को अपना बेटा समझकर, पुत्र समझकर, अपना साथी समझकर, अपना पोता समझकर वोट डालने का काम करना है। धन्यवाद। जय हिंद।